जो भी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके वेतन में एक रुपए की भी वृद्धि अभी तक नहीं हुई है। हमारी मांग है कि हमारा जो वेतन है उनके इक्विवेलेंट कर दिया जाए। एक्सपेंसेस हैं उनको काफी दिक्कत आ रही है, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ, और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। गुरुग्राम में आज आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम GMDA की बिल्डिंग में मौजूद हैं। जी हां, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से लोगों ने यहां पर धरना दे दिया है। असल में इसके पीछे के कुछ कारण क्या है वो हम बातचीत के दौरान आपको बताएंगे कि क्या कुछ परेशानी है क्या। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूँ, सर आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप जी, क्या कुछ बात है जिसके लिए यहाँ पर जो लिखा हुआ मैं पढ़ पा रहा हूँ, कर्मचारियों का शोषण बंद करो, पूरा वाक्य हमें एक बार समझाएं आप। एक्चुअली हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर फील्ड टेक्नीशियन इक्वलेंट टू JEE जूनियर इंजीनियर के इक्वलेंट हमारी पोस्ट है। हम यहाँ एज ए फील्ड टेक्नीशियन यहाँ पर कार्यरत हैं GMDA डिपार्टमेंट में, और जब से GMDA डिपार्टमेंट का गठन हुआ है 5 साल से, जो भी कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहा है उसके वेतन में एक रुपए की भी वृद्धि अभी तक नहीं हुई है। तो हमारी मांगे ये हैं कि जितने भी JEE सभी डिपार्टमेंट्स जो गुड़गांव में आउटसोर्सिंग पे काम करते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव है, HSIDC है, DHBVN है, तो जितने भी डिपार्टमेंट है और इंजीनियरिंग विंग में जो JEE काम करते हैं, हमारी मांग है कि हमारा जो वेतन है उनके इक्विवेलेंट कर दिया जाए। सेम जो वेतन उनको मिलता है वही वेतन हमारे को दिया जाए, ये मांग हमारी है। लेकिन अभी तक, इससे पहले भी हमने 2 बार हमारी जो GMDA की जो अथॉरिटी मीटिंग हुई, जिसमें CM साहब जिसको चेयरमैन है उसके, उनकी चेयरमैनशिप में जब मीटिंग हुई थी तो इस मुद्दे पर बात हुई थी। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था और वो एजेंडा भी था मीटिंग का, तो उन्होंने बोला था कि इस पर गौर किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड कोई काम अभी तक इस पे हुआ नहीं है। हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी इस मांग को स्वीकार किया जाए, और जितने भी लोग यहाँ पर काम करते हैं उनका जो डेली रूटीन में जो उनके एक्सपेंसेस हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है गुड़गांव सिटी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो इसलिए हमारी मांग है कि हमारे वेतन को दूसरे JEE डिपार्टमेंट के जो JEE हैं उनके बराबर दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें तमाम लोग मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बैठे हैं, क्या किस पद के लोग हैं, क्या नियुक्तियाँ इनके अलग जिस पद पर नियुक्त होंगे उनकी नियुक्तियाँ अलग पद पर हुई होंगी? नहीं नहीं, इनकी जो नियुक्ति है सभी की प्रॉपर हम चैनल से मेरिट द्वारा हमारी सभी की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी और एग्जाम कंडक्ट किया गया था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मुरथल में, डीकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, और सभी को हमारे जो हमारा नेचर ऑफ जॉब है, जो हमारी ये वर्किंग जो हमारा सिस्टम है वो सारा JEE के इक्विवेलेंट है, और हमारी जो पोस्ट है वो भी JEE के बराबर है। इवन JEE तो सिंपल डिप्लोमा के बाद रिक्रूटमेंट की जाती है, लेकिन हम सभी तो यहाँ BTech बेस पे हमारे को 2-2 साल 5-5 साल के एक्सपीरियंस पे यहाँ पर ज्वाइन करवाया गया था। तो यदि हमारा वर्क की हम बात करें तो, और जो एक्सपीरियंस है हमारा, जो एक फ्रेशर जो इंजीनियर नियुक्त किया जाता है उससे ज़्यादा हमारे पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस था, इसी बेस पे हमारे को यहाँ ज्वाइनिंग दी गई थी। फ्रेशर को तो यहाँ किसी ने अलाउड भी नहीं किया था, तो यही हमारा JEE के इक्विवेलेंट हमारी जो पोस्ट है उस पे नियुक्ति हुई थी। कब तक ये तनख्वाह कब से नहीं बढ़ाई गई है जिसकी एक बार आप? जब से GMDA का गठन हुआ है तब से किसी की कोई भी तनख्वाह में कोई भी एक रुपये की वृद्धि नहीं हुई है, तब से ही 5 साल से लगातार शोषण किया जा रहा है। हम इस बात को शोषण मानेंगे, शोषण ही है, क्योंकि जब तक कोई आप हमारे एक बात तो पहले ही आप जो आपने स्लैब रखे हैं, जो वेतन का जो स्लैब है वो दूसरे डिपार्टमेंट के वेतन के स्लैब से 11,000 रुपये 12,000 रुपये पहले ही आपने कम दे रहे हो, उसके बाद उसमें कोई वृद्धि भी नहीं कर रहे हो। तो हमारी यही मांग है कि जो JEE दूसरे डिपार्टमेंट में सैलरी लेते हैं उसके बराबर हमारे को तनख्वाह दी जाए। आप लोगों का कब तक ये प्रदर्शन रहने की मांग है कि कब तक हम नहीं मानेंगे, या इसके बाद अगला ठोस कदम क्या होगा यदि GMDA के अधिकारी नहीं मानते आपकी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है GMDA प्रशासन की तरफ से भी। हमारे ज्वाइंट CEO हैं वो हमारे पास आए, हमारे चीफ इंजीनियर्स एक्शन साहब और SC साहब हैं, काफ़ी हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांग है हम आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन हमारी उनसे यही मांग है कि हमारे को कोई ठोस आश्वासन दिया जाए ताकि हमारे को लगे कि GMDA का प्रशासन है जो हमारे साथ है। अभी हमारा 2 दिन का सांकेतिक धरना था, हम उसके बाद हमारी आगे की हम प्लानिंग करेंगे। यदि कोई भी ठोस कदम इसमें नहीं उठाया जाता है तो हम इसको आगे तक लेके जाएंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी हमारी। आपको आश्वासन तो मिला है लेकिन कोई लिखित में कुछ बताया गया, कुछ दिया गया
दिया कि आपको आपकी मांगों को पूरा? नहीं नहीं, लिखित में अभी तक कोई आश्वासन हमारे को नहीं दिया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आपकी जो मांगे हैं बिल्कुल उसको गौर किया जाएगा और आगे करेंगे, लेकिन अभी तक ठोस आश्वासन या लिखित में आश्वासन हमारे को नहीं मिला, इसलिए हम अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं इनसे ही बातचीत करूँगा और पूछूंगा कि असल में क्या इनकी कुछ मांगे हैं। जी मैम, यही है सर, हमारा 5 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और सैलरी भी बहुत कम है, 21,000 रुपये मिलते हैं, 21,000 में गुड़गांव जैसे शहर में क्या हो सकता है। आपको बता दे, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं, और भी लोगों से मैं बातचीत करूँगा और आपको बताऊँगा किस तरीके से जो लोगों की मांग है। असल में लोगों को आश्वासन तो मिला है यहाँ पर, लेकिन अभी लिखित में कोई प्रारूप अभी जारी नहीं किया है। जी क्या मांग है आपकी? मेरा नाम आदित्य है जी, हमारी बिल्कुल साधारण सी मांग है, ये हमारा सबका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे को इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, पिछले चार साल से नहीं मिला तो हमारा अधिकार है, हम कोई पक्कों की मांग नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं, हमारे को 4 साल से एक ही तनख्वाह पे हम चल रहे हैं, वो हमारे साथ गलत हो रहा है, बाकी डिपार्टमेंट में सबको उनको बढ़ के मिल रही है, हमारे साथ क्यों किया जा रहा है हमारे को समझ में नहीं आ रहा, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, हम 2 साल से चक्कर काट काट के तंग हो चुके हैं, हम CO साहब के पास जा चुके हैं, हम CM साहब के पास जा चुके हैं, हमारी फाइलें चलती हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, आज तक कोई पूरा नहीं हुआ है, हमारे को कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, इसलिए हमारे को आखिरी में मजबूरी में ये फैसला करना पड़ा कि हम आज धरने पर बैठ गए हैं। ये 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन बताया, इसको इसके बाद क्या कदम आप लोगों के हो सकते हैं? देखो सर, बिल्कुल अभी हम 2 दिन के लिए बैठे हैं, अभी कोई एसेंशियल सर्विसेज पे हम किसी चीज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना हम उस चीज़ को रोक रहे, बट ऐसा है कि ऐसा हमारे को अगर वो नहीं दिया जाएगा तो शायद हमारा धरना आगे बढ़ेगा, हमारे को बैठना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख सकते तस्वीरों में लोगों से बातचीत की, लोगों का कहना है कि अभी तक तो हमने शांति से धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर आगे आप लोगों ने हमारी मांगों को नहीं मांगा तो धरना प्रदर्शन जो है वो आगे भी बढ़ सकता है। और तमाम जो यहाँ पर आप मेरी तस्वीरों में बार बार मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों को देख रहे हैं, इनकी असल में मांग यही है कि इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इनकी तनख्वाह जो इनकी सैलरी थी उसको बढ़ाया जाए। इस वक्त आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ अमन यादव, धन्यवाद।